इस तरीके से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है सेंट्रल लॉकिंग। सेंट्रल लॉकिंग के की आपको मिल जाते हैं कुछ दो, इसका साइन है। इसको अगर इस तरीके से करते हो ना, इसको आपको इसका हैंडल टर्न करेगा या कुछ चाबी करेगा तो कुछ इस तरीके से ये साइरन क्रिएट करेगी। पूरी लगा रखी है। और वैसे ये सेंट्रल लॉकिंग यूनिवर्सल होता है, किसी बाइक में भी लगवा सकते हो। आपने इसको पार्क कर दिया और उन्होंने जगह चेंज कर दी या आपको नहीं पता, तो आप ये बटन दबाकर पता कर सकते हो कहाँ पर है। ये आपने ऐसे दबाया तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं सुजुकी वर्कमैन स्ट्रीट 125। और यहाँ होना जरूरी है तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल जो मतलब एक्चुअली क्या है, जो मॉडिफाई कराते हो तो उसके साथ में जो और भी काम होते हैं वो भी कर दिए जाते हैं। करते वीडियो को स्टार्ट, सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि अब आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स वीडियो आते रहते हैं और आते रहेंगे। सो हेलो एवरीवन, आप दोस्तों यहाँ अपने सामने है व्हाइट ब्यूटी सुजुकी वर्कमैन स्ट्रीट 125 और उसमें जो मॉडिफिकेशन है, वैसे तो काफी सारी बेसिक सी मॉडिफिकेशन इसमें कर रखी हैं और काफी अलग भी हैं। और गाइस इसकी काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन ये थी व्हाइट कलर की जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैं सोचा आप लोग इसकी वीडियो भी करता हूँ शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है सेंट्रल लॉकिंग। सेंट्रल लॉकिंग के की आपको मिल जाते हैं कुछ दो इस तरीके के, एक ये वाला, इसमें आप चाहो तो अपनी ओरिजिनल वाली की भी बनवा सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट और इसका मैं बताता हूँ यूज। जैसे कि इस पर आप देखते हो इसमें लॉक का साइन है, इसको अगर इस तरीके से करते हो ना, इसके बाद कोई इसका हैंडल टर्न करेगा या कुछ चाबी करेगा तो कुछ इस तरीके से ये साइरन क्रिएट करेगी, अलर्ट करेगी आपको। इसके अलावा इसको आप बंद भी कर सकते हो। पार्किंग मान लो अपनी स्कूटी लगा रखी है, और वैसे ये सेंट्रल लॉकिंग यूनिवर्सल होता है, किसी बाइक में भी लगवा सकते हो आप। और या बाइक में लगवा रखा और पार्किंग में अगर आपने इसको पार्क कर दिया और उन्होंने जगह चेंज कर दी या आपको नहीं पता, तो आप ये बटन दबाकर पता कर सकते हो कहाँ पर है। और ये लास्ट वाला जो बटन है, ये है इसको स्टार्ट करने के लिए। ये आपने ऐसे दबाया तो ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। वैसे कर देता हूँ बंद और नॉर्मली मैं इसको जो है ऑन करके आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाइजर सेटअप, जो कि इसमें मिरर भी आपको साथ में मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जो वाइजर की, वैसे काफ़ी सारी जो वैरायटी और भी जिन लोगों की सेटअप नहीं चाहिए तो लॉन्ग वाले वाइजर भी आते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैजार्ड एक्टिवेट है, और हैजार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप इस स्विच को लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करोगे अपने इंडिकेटर वाले को, तो उसके पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। तो ये हो गया, और साथ ही में इसमें एलईडी बल्ब भी इंस्टॉल किए हैं और जिसका फोकस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और अभी शॉप के अंदर लाइटें वगैरह जल रही हैं, जब आप प्रॉपर नाइट में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका एक अच्छा फोकस होने वाला है। और एलईडी बल्ब लगाने का फायदा ये भी होता है कि बैटरी पर कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बैटरी जो है कम लोड लेते हैं और विजिबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। हैलोजन जो होता है वो थोड़ा सा ना ज़्यादा बैटरी जो है पी लेते हैं, तो उस केस में आप एलईडी बल्ब लगवा सकते हो। और हैजार्ड भी अच्छी तरह वर्क करता है क्योंकि एलईडी बल्ब जो है वो फटाफट जलता है और हैलोजन बल्ब स्लो स्लो, तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ पर अब बैक साइड में आपको दिखाई रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हो इसका जो सीट हैंडल है इस पर लगा रखा है बैक रेस्ट पिलियन राइडर के लिए, जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी ये टॉप पे है और ये काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इस एंगल से देखोगे तो ये वाला लुक आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप दिखा दूंगा इसकी सीट भी इसमें ऐड होने वाली है। बाकी जो है ऑलरेडी सीट की वीडियो बन चुकी है, यहाँ पर मैट देख सकते हो आप वर्कमैन स्ट्रीट का। इसके अलावा ये मिरर देख सकते हो जो कि मैट फिनिश के साथ है, इसमें आपको ग्लोव वाले मिल जाएंगे और गाइस इसमें कार्बन फिनिश वाले भी मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट ये है, मिरर का तो काम करते हैं प्लस इंडिकेटर का भी काम करेंगे, फ्रंट से भी और साइड से भी। और ये सामने वाला राइडर और पीछे राइडर दोनों को पता चलता है कि जो है स्कूटी ने किस साइड का इंडिकेटर देखा। काफ़ी ऑसम चीज़ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका। तो यहाँ से कुछ ये वाला लुक आ रहा है गाइस। यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर भी इंस्टॉल्ड है और ये देखो कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऑल ओवर जो लुक है वो काफ़ी बेस्ट लग रही है, कम मॉडिफिकेशन बट डिसेंट मॉडिफिकेशन और बहुत ही ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन लग रही है इस वाइट ब्यूटी पर, ये देख सकते हो गाइस। सो गाइस आपने व्हाइट ब्यूटी देख लिया, ब्लैक ब्यूटी देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। इसमें जो मॉडिफिकेशन है काफ़ी हद तक सेम है, और जैसे कि बैकरेस्ट वगैरह नहीं लगाया। बाकी इसमें जैसे कि आप देखोगे वाइजर सेटअप पूरा लगा रखा है, वाइजर लगा रखा है। पर वाइजर लगाने के पहले यहाँ पर प्रॉपर क्लैम वगैरह लगाई जाती है, तो वो है। उसके अलावा मिरर है जिसमें डुअल साइड इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे कि एक्टिवेट है इंडिकेटर, ये ग्लॉस में है और ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। मिरर का ही वर्क करेंगे प्लस इंडिकेटर का ही वर्क करेंगे और काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और फुल्ली प्रेजेंटेबल वाली स्कूटी बन जाती है। ये इस तरीके का वर्क किसी भी स्कूटी में करा सकते हो। बाकी ये सेटअप जो है ये हो सकता है कि हर स्कूटी का अलग हो, बाकी जो है ये सारी चीज़ें लग जाएंगी ओवरऑल। तो यहाँ पर देखते हो एलईडी बल्ब और साथ में हैजार्ड सिस्टम लगा रखा है सिमटेक का, जिसमें आपको 2 साल की गारंटी मिलती है। यहाँ पर इसका स्विच है, स्विच को जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार पैटर्न चेंज हो जाएंगे। जैसा कि देखो एक बार मैंने प्रेस किया तो पैटर्न चेंज, मैं दोबारा प्रेस करता हूँ अगेन पैटर्न चेंज, फिर करता हूँ फिर पैटर्न। इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे पैटर्न मिल जाएंगे आपको, अराउंड 25 पैटर्न इसमें इजिली वर्क करते हैं। बाकी इसको अगर आप एक सेकंड तक होल्ड करके रखोगे ना
तो पैटर्न नहीं चेंज होंगे क्योंकि यहाँ से ऑफ हो जाता है एक सेकंड बाद। और लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इस एंगल से ये वाला लुक आ रहा है, ये देखो। और हैजार्ड जो LED बल्ब है वो इसमें इस लगा रखे हैं, ये भी सिमटेक वाले हैं, और काफी सिंपल सोबर है, काफी यूनिक है और काफी बेस्ट है। ब्रांड न्यू है यहाँ पर स्कूटी है, और लुक कुछ इस तरीके से मैंने आपको दोनों दिखा दी है, व्हाइट भी दिखा दी, ब्लैक भी दिखा दी। अब आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को कौन सी मॉडिफिकेशन करानी है और कैसी लग रही है गाइस, ये देख सकते हो। काफ़ी सारे लोग यार वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। प्राइसिंग के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में नंबर निकाल सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, डेली के रहने वाले हो तो आ सकते हो सीधे करोलबाग नए वाला मार्केट में SKD पर। तो दोनों शॉप आपको मिलेंगी SKD के नाम से। बाकी आज की वीडियो में जितना मिले तो आपसे विदा, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।